हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। आज हम बनाएंगे कर्नाटका स्टाइल सांभर पाउडर। दोस्तों, गारंटीड है कि अगर ये मसाला एक बार आपने बना के ट्राई कर लिया तो आप सांभर मसाला बाजार से खरीदना छोड़ देंगे। तो चलिए इसको फटाफट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन को मीडियम हीट पे गर्म कर लिया है और इसमें अब मैं एक छोटे चम्मच तेल का डाल रही हूँ। दोस्तों, हम सबसे पहले अपने सारे मसालों को भून लेंगे, उसके बाद उसको पीसेंगे। इसमें अब मैं ऐड करूंगी एक चौथाई छोटे चम्मच हींग का, एक छोटे चम्मच मेथी के दाने, एक बड़े चम्मच धनिया का दाना। साथ के साथ गरम मसाले में मैं सिर्फ दालचीनी डाल रही हूँ, एक छोटा टुकड़ा। आप चाहें तो लौंग भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी गरम मसाला ना डालें। साथ के साथ मैंने 7 से 8 लाल मिर्चें ऐड कर ली हैं। लाल मिर्चें बहुत ज़रूरी हैं इसमें। अरहर का दाल ऐड कर रही हूँ मैं, तुअर दाल एक छोटे चम्मच, उड़द दाल एक बड़े चम्मच, चना दाल ऐड कर लिया है मैंने एक बड़े चम्मच, 7 से 8 करी पत्ते ऐड करूंगी मैं। और इन सभी मसालों को हम खूब अच्छे से मीडियम हीट पर ही भून लेंगे। दोस्तों, तेज आंच पर इन मसालों को बिल्कुल नहीं भूनेंगे, वरना जो हमारी दालें हैं वो बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो जो मसालों की भुनाई है वो मीडियम हीट पर ही करनी है, मीडियम से स्लो फ्लेम पर ही हम इसको भूनेंगे। और लगभग 7 से 8 मिनट में हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भून के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, लाल मिर्चें बिल्कुल फूल गई हैं। मैंने कलर के लिए इसमें 2-3 कश्मीरी मिर्च भी डाल ली थी, इससे बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा हमारे मसाले में। इन मसालों को हम अच्छे से ठंडा करके और फिर इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाउडर बिल्कुल तैयार हो गया है। चूँकि मैंने इसमें तेल डाला हुआ है, इसलिए जो मसाले हैं वो ग्राइंडर की दीवार पर चिपक गए हैं। इसको मैं ऐसे सेपरेट कर ले रही हूँ और ये देखिए पाउडर कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं, क्योंकि मैं इसका अब सांभर बनाऊंगी। दोस्तों, इसको स्टोर करने के लिए आप चाहें तो इसको ज़्यादा मात्रा में बना के आराम से 6 से 8 महीने तक किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। अगर आप किसी गर्म जगह पर रहते हैं या बहुत मॉइस्ट प्लेस में रहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दें, जैसे कि बाकी मसालों को रखते हैं हम। ये बिल्कुल आराम से 6 से 8 महीने तक आपके पास रहेगा, एक बार बना लीजिए और आराम से इसका सांभर बना सकते हैं बार बार। तो दोस्तों, ये जो सांभर मसाला है ये एक बार ही बल्क में बना के हम इजीली स्टोर कर सकते हैं और बार बार इसका सांभर बना सकते हैं। इसका सांभर बनाने की रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, इस सांभर पाउडर को बनाएं और इसका सांभर भी बनाएं। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों प्रैट्स किचन में।